दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको अपने वीडियोस को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी होता है कि आपके पास कुछ वीडियोस क्लिप होना चाहिए, आपके पास कुछ फुटेज भी होना चाहिए, आपके पास कुछ साउंड इफेक्ट भी होना चाहिए, आपके पास कुछ नॉन कॉपीराइट म्यूजिक भी होना चाहिए, ताकि आप अपने वीडियोज पर उनको यूज करके वीडियोज को अपने प्रोफेशनल बना सको, ताकि आप जो चीज़ समझाना चाहते हो लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप कहाँ से इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से आप वीडियोज क्लिप डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से आप फुटेज डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से आप म्यूजिक या फिर साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकता, ताकि आप अपने वीडियोस पर यूज करो तो ना तो आपको कॉपीराइट क्लेम का फंडा सामने है, ना तो आपका कॉपीराइट स्ट्राइक का कोई फंडा है, ना ही आपको यहाँ पर रियूज कंटेंट है, मतलब आपके मोनेटाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना है, ना ही आपकी कुछ अर्निंग में इफेक्ट पड़े। तो कहाँ से आप इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो ताकि अपने वीडियोज पर यूज करो तो बिल्कुल भी आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, अगर आप भी ये चीज़ जानना चाहते हो कि कहाँ से आपको फोटो डाउनलोड करना चाहिए, कहाँ से आपको वीडियोज डाउनलोड करना चाहिए, कहाँ से आपको साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना चाहिए, तो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीके टेक्निकल भैया में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इन चीजों को डाउनलोड करने के यहाँ पर मैं दो वेबसाइट के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और लगभग जितने भी यूट्यूबर्स ये चीज यूज करते हैं, चाहे फोटो हो, चाहे वीडियो क्लिप हो, चाहे फिर साउंड इफेक्ट हो या फिर कोई म्यूजिक हो, तो वहीं से डाउनलोड करके यूज करते हो, क्योंकि वहां से बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलो मैं चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ किस तरीके से आप उनको डाउनलोड करके अपने वीडियोज पर यूज कर सकते हो, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको गूगल में सर्च कर लेना है pixel.com, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने pixel.com सर्च करके और सिंपल सा आपको इसको ओपन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस भी टाइप का आपको वीडियो चाहिए, सिंपल से यहाँ पर आप सर्च करके और सिंपल से यहाँ से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे भी यहाँ पर ढेर सारे कुछ क्लिप्स मिल जाती हैं, तो चाहो तो आप इन्हीं को डाउनलोड कर सकते हो अगर आपकी ये जरूरत की है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर मुझे चाहिए एजुकेशन टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ एजुकेशन, तो सिंपल सा आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने एजुकेशन सर्च करा तो नीचे आप देख सकते हो ढेर सारी एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर क्लिप्स, वीडियोस क्लिप्स आ चुके हैं। अब मान लो कि मुझे यहाँ पर वीडियोस क्लिप नहीं चाहिए, फोटो चाहिए, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है फोटो पर। जैसे आप फोटो पर क्लिक कर दोगे तो नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो सिर्फ फोटो ही आपके सामने आ जाएंगे, मतलब फोटोज आ जाएंगी, जिस टाइप का आप यहाँ पर सर्च करोगे उसी से रिलेटेड यहाँ पर फोटोज आ जाएंगे। और मुझे यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात, इसकी खासियत, सबसे अच्छी खासियत लगी, यहाँ पर आपको कैटेगरीज भी मिल जाती है। जैसे आप मैंने एजुकेशन लिखा तो एजुकेशन में जो भी कैटेगरी आते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, लर्निंग हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, स्टडी हो गया, क्लासरूम हो गया, स्टूडेंट, बिजनेस या फिर बुक्स, टेक्नोलॉजी, टीचर, कॉलेज, इस तरह की देखो यहाँ पर ढेर सारी कैटेगरीज भी आ जाती हैं। तो इन पर क्लिक करके आप कोई भी कैटेगरीज का, चाहे फोटो या फिर वीडियो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो मैंने क्लासरूम पर क्लिक कर दिया, तो आप नीचे देखोगे कि यहाँ पर क्लासरूम से रिलेटेड यहाँ पर ढेर सारी फोटोज आ चुकी हैं। मान लो मुझे वीडियो चाहिए तो यहाँ से मैं वीडियोज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दूंगा तो नीचे क्लासरूम से रिलेटेड वीडियोज क्लिप ढेर सारी यहाँ पर आ जाती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो आसानी से इनको डाउनलोड करके सिंपल से अपने वीडियोज पर यूज कर सकते हो। डाउनलोड कैसे करना होगा, सिंपल से मान लो कि मुझे ये वाला वीडियो क्लिप चाहिए, यहाँ पर मैं इस पर इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक कर गए तो सबसे पहले तो आप इसको प्ले करके यहाँ से देख सकते हो कि किस टाइप का यहाँ से चल रहा है, इसका डेमो आप देख सकते हो। उसके बाद इसको सिंपल यहीं से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं प्ले पर क्लिक करता हूँ तो फाइनली आप देख सकते हो ये आपके सामने यहाँ पर चल रहा है, तो इसको आप पूरा डेमो देख सकते हो। उसके बाद अगर इसको आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप फ्री डाउनलोड पर जैसे एक बार क्लिक करोगे तो सिंपल से आप इसको यहाँ से कट करके सिंपल से आप देख सकते हो कि नीचे आपका यहाँ पर डाउनलोडिंग में चीज़ लग चुका है। और जैसे आपका डाउनलोड हो जाता है तो इसको आप प्ले करके देख भी सकते हो या फिर अपने वीडियोज पर यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले, ठीक है। तो यहाँ से आप pixel.com का यूज करके सिंपल सा कोई सा भी फोटो या फिर कोई सा भी वीडियोज क्लिप यहाँ से यूज कर सकते हो। उसके बाद सिंपल से यहाँ पर आपको अगली वेबसाइट सर्च कर लेना है shutterstock.com, ठीक है। shutterstock.com सिंपल से आपको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो shutterstock आपके सामने आ चुका, तो सिंपल से इसको क्लिक कर देना है। तो इस पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप चाहो तो कोई भी यहाँ पर कैटेगरी वजह से क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो ढेर सारी कैटेगरियाँ आपके सामने यहाँ पर मिल जाती हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि आप फोटोज भी यहाँ से यूज कर सकते हो, कोई भी वेक्टर यहाँ से यूज कर सकते हो या फिर कोई फोटोज यूज कर सकते हो, कोई भी यहाँ से म्यूजिक यूज कर सकते हो या फिर कोई ग्राफिक्स यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ से मुझे इस पर चाहिए म्यूजिक, ठीक है। तो यहाँ से मैं म्यूजिक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कोई भी टाइप का म्यूजिक यहाँ पर सर्च करके देखता हूँ। जैसे मुझे चाहिए यहाँ पर इमोशनल टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखो इमोशन करके और यहाँ पर सिंपल से इसको सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे इमोशन टाइप की जितने भी यहाँ पर इमोशन टाइप के यहाँ पर म्यूजिक हो सकते हैं नीचे आपके सामने आ जाएंगे। तो इनको आप चाहो तो यहाँ से आप इनको प्ले करके सुन भी सकते हो। उसके बाद सुनने के बाद आप इनको अगर जो भी आपको पसंद आ जाता है उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आप नीचे और एरो देख सकते हो, साइड में आपको डाउनलोड का एरो दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड प्रीव्यू में यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, जो कि ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसका फुल MP3 फुल ट्रैक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो,
अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट में इसको डाउनलोड करना, देखो चाहे 15 सेकंड का डाउनलोड कर लो, चाहे 30 सेकंड का डाउनलोड कर लो, या फिर 60 सेकंड का डाउनलोड कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपको लूप्स भी मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर मुझे फुल ये वाला म्यूजिक चाहिए, तो यहाँ पर मैं फुल MP3 पर क्लिक कर देता हूँ, फुल ट्रैक पर क्लिक कर देता हूँ, तो नीचे आप देख सकते हो डाउनलोडिंग फाइल आ चुका है। इसको यहाँ से मैं डिटेल भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर सक्सेसफुली जो मैंने अभी अभी आपके से पहले एक यहाँ पर वीडियोस क्लिप डाउनलोड करा था, देखो ये चीज़ यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। इसको आप प्ले करके देख भी सकते हो या फिर अपने वीडियोस पर यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी अभी जो मैंने यहाँ पर साउंड लगाया हुआ डाउनलोडिंग में, तो वो देखो यहाँ पर अभी डाउनलोडिंग में यहाँ पर ऑडियो में क्लिक करता हूँ तो देखो साउंड भी यहाँ पर जस्ट नाउ अभी अभी डाउनलोड हो चुका है। तो इसको भी यहाँ पर आप प्ले करके सुन सकते हो और अपने वीडियोज़ पर कहीं पर भी साउंड को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन दो वेबसाइट का यूज करके कोई भी फोटो डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी वीडियोज क्लिप डाउनलोड कर सकते हो, कोई साउंड इफेक्ट या फिर साउंड डाउनलोड करके अपने वीडियोस पर यूज कर सकते हो, तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि मैं YouTube से रिलेटेड हमेशा इस तरह के इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाता रहता हूं। और अगर आपका YouTube से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं तुरंत रिप्लाई दे देता हूँ। चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।